सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हमारे नेक्स्ट डायमंड रोल बंडल के बारे में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, गेम के अंदर अब ये वाला डायमंड रोल बंडल चल रहा है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट डायमंड रोल बंडल कौन सा आने वाला है। सो आज के इस वीडियो का आप लोग पूरा देखना, उसी के साथ गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ये जो मेरे सामने जितने भी रिवॉर्ड्स मिले, जो कि आप लोग देख रहे हो, चार रिवॉर्ड्स हमें बिल्कुल फ्री मिले। तो ये रिवॉर्ड्स वगैरह आपको कैसे क्लेम करना है आपके अकाउंट के अंदर, आपको वीडियो के अंदर डिटेल देने वाले, साथ में क्लेम वगैरह करके दिखाएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, साथ में जो आपके टुनाइट अपडेट होने वाला है वो भी काफी अच्छा होने वाला, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो बस यार, वीडियो को पूरा देखो, ठीक है? और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट करो, ताकि गेम के अंदर आने वाले हर एक लेटेस्ट इवेंट अपडेट आपको सबसे पहले पता चलते रहे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप चलो फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, हम यहां पे क्लेम करने वाले रिवॉर्ड जो कि हमें फ्री फायर वालों ने भिजवाया है। तो हमें गाइस यहां पे देखने को मिल रहा है मॉन्स्टर ट्रक की स्किन, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद गाइस हमें यहां पे देखने को मिल रहा है काफी क्यूट से अवतार बैनर्स वगैरह, जो कि बहुत अच्छे लग रहे देखने में। एंड थीवा करेक्टर भी हमें फ्री में देखने को मिला है, ठीक है? इसका बंडल मेरे पास नहीं आया, बस इसका करेक्टर आया जो कि भाई रामदेव बाबा वाला भैया है। तो गाइस इसको क्लेम करते हैं फटाफट से, और गाइस हमने क्लेम कर लिया है, ठीक है भाई? अब हम यहां पे चल के इसको मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअली सारी चीज को इक्विप कर लेते हैं, जिससे गाइस हम आपको ज्यादा अच्छे से दिखा विखा पाएंगे, ठीक है? करेक्टर के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे भैया थीवा करेक्टर, ठीक है? तो भाई यहाँ पे थीवा करेक्टर मतलब इक्विप हो चुका है, ठीक है? उसके बाद व्हीकल के ऊपर चलते हैं भैया, मॉन्स्टर ट्रक भी यहाँ पे इक्विप कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं मॉन्स्टर ट्रक कैसी लगने वाली गेम के अंदर। तो भाई मॉन्स्टर ट्रक भी अच्छी लग रही है देखने में, उतना ज्यादा कुछ खास भी नहीं, ना ही बुरी है, ठीक है? उसके बाद किस यहाँ पे आता है अवतार बैनर, भाई अवतार बैनर को भी फटाफट से देखो, इसका भी मिला है, ठीक है? तो भाई यहाँ पे अवतार हो गया और यहाँ पे सॉरी बैनर नहीं मिला है क्या भाई? बैनर नहीं मिला, दो दो अवतार मिले, ठीक है? ऐसा वाला सीन हो रखा है। तो कुछ इस टाइप का आपको सीन देखने को मिला है कि भाई आपको अवतार ही अवतार देखने को मिल रहा था, ठीक है? बाकी मैंने गलती से बोला बैनर। तो गाइस ये सारे रिवॉर्ड्स हमें मिले बिल्कुल फ्री में, अब आप लोग कैसे मिलेंगे हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो थीवा करेक्टर, इसको लेने के लिए गाइस आपको 28 तारीख को गेम के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। आफ्टर जैसे आप गाइस यहाँ पे लॉगिन करोगे गेम के अंदर, तो भाई आपको ये थीवा करेक्टर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है भैया, यहाँ पे ये वाला जो अवतार वगैरह आप लोग देख पा रहे हो, तो भाई ये अवतार आपको मिलने वाला है हमारा 28 तारीख से लेकर 5 या फिर 6 सेप्टेम्बर तक। अब गाइस उसके अंदर आप लोग को बुया करने का टाइम दिया रहेगा, मतलब आप लोग को कुछ मैचेस बुया करने पड़ेंगे, जैसे कि 5 मैच बुया करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, फिर उसके बाद कुछ वाउचर्स मिलेंगे, कस्टम रूम कार्ड मिलेगा, कस्टम रूम पे ट्रम्बल रूम कार्ड, ठीक है? तो ऐसे गाइस यहाँ पे रूम कार्ड वगैरह आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो भाई आपको बस यहाँ पे बुया वगैरह करना पड़ेगा, कुछ माइलस्टोन रहेगा। और यहाँ पे गाइस एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, जो कि मैंने आपको बुया करने वाला बताया है भाई, वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला जो कि मॉन्स्टर ट्रक वाला है। गाइस जो मॉन्स्टर ट्रक की स्किन है ना, यही आपको बुया करने के ऊपर मिलेगा, ठीक है? अवतार वाला मैं आपको बाद में बताता हूँ, मतलब आगे बताता हूँ वीडियो के अंदर कैसे मिलने वाला है। बट आप लोग को 10-20 मैच बुया करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है? उसके बाद बेडरम्बल रूम कार्ड वगैरह मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये दोनों कई चीजें आपको मिलने वाली टोकन के बदले, जो कि आपको मैंने बताया था सीएस कप चैलेंज नाम का इवेंट देखने को मिलने वाला है, और उसी इवेंट के अंदर से गाइस आप लोगों को ये दोनों रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है? आप लोग वहां पे टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा रेड टोकन, उसके बाद उसको एक्सचेंज करने के बदले आपको ये दोनों रिवॉर्ड मिलेंगे। एंड गाइस कॉल बैक इवेंट आप लोग गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। गाइस कॉल बैक इवेंट के अंदर आप लोग को अपने फ्रेंड्स को कॉल बैक करना पड़ता है, उसका रिवॉर्ड मैंने आपको दिखा रखा कि भाई आपको उसमें लूट बॉक्स देखने को मिलने वाला है कॉल बैक इवेंट के ऊपर, और भी अदर रिवॉर्ड मिलेंगे जो कि आप लोग देख लेना, ठीक है? कुछ दिन बाद गाइस वो भी इवेंट स्टार्ट हो जाएगा 28 तारीख को, जो भी पीक डेट है। एंड सारे अभी मेन मेन इवेंट्स आने वाले पीक डे के दिन, मतलब 28 तारीख को, ठीक है? तो भाई सारे रिवॉर्ड्स आपको उसी दिन मिलने वाले हैं। एंड बिल्कुल मत बोलना भाई 28 तारीख को क्लेम कर, मतलब कि लॉग इन करके क्लेम करना थीवा करेक्टर जरूर से, क्योंकि भाई फ्री में करेक्टर मिल रहा है। तो जरूर गाइस लॉग इन करके क्लेम करना, उसका वाउचर वगैरह भी आपको काफी सारे मिलने वाले हैं, तो सब लोग रेडी रहो। तो गाइस हम बताने वाले आपको हमारा टूनाइट अपडेट, जो कि 8:12 बजे हमारे गेम के अंदर एकदम न्यू इवेंट आने वाला है, वो टोकन टावर इवेंट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो यही गाइस 8:12 बजे हमारे गेम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, और उसके अंदर गाइस आप लोग को देखने को मिलने वाला है बंडल, जो कि भाई ठीक है देखने में एवरेज लुक दे रहा है, ठीक है? उतना ज्यादा कुछ खास नहीं, बट ठीक ही लग रहा है देखने में। तो बाय द वे गाइस आप लोग देख लो पूरा बंडल कैसा होने वाला है, और आप लोग निकालोगे या फिर नहीं मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। बाकी मैंने एक बोलूंगा कि भाई टोकन टावर इवेंट से निकालो, टोकन टावर इवेंट के अंदर भाई बहुत डायमंड लगते हैं, जितना आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मतलब 4 से 5 डायमंड आपके लग सकते हैं। तो यार मेरे ख्याल से भाई इस बंडल के पीछे बिल्कुल भी डायमंड नहीं लगाना, मैं भी नहीं निकालने वाला बिल्कुल भी। उसके यहाँ पे गाइस आपको फिश की स्क्रीन देखने को मिल रही, जो कि हमारे 4th एनिवर्सरी इवेंट के ऊपर है। अगर आपको निकालना है इस इवेंट से, तो भाई 4th मतलब कि ये जो फिश की स्क्रीन है 4th एनिवर्सरी वाली, आप ये निकाल सकते हो। ये देखने में ठीक ठाक लग रही है, बट उतनी ज्यादा कुछ खास नहीं, बट हाँ अच्छी है देखने में, कोई बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है? इवोल्यूशन स्टोन में देखने को मिल जाता है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जीप की स्क्रीन देखने को मिल रही है। अब मुझे एक बात ही समझ में आती है कि भाई गिरना हर समय सेम रिवॉर्ड्स क्यों देता है, मतलब थोड़ा चेंज करके हटके रिवॉर्ड देना चाहिए, जो कि गेम के अंदर थोड़ा अच्छा लगे देखने में। बट फिर भी गाइस ये फालतू के रिवॉर्ड देता है, जो कि फ्री में हमें मिलने चाहिए, जैसे कि भाई परंग का स्क्रीन, जीप का स्क्रीन, भाई ये सब तो फ्री में दे ही देना चाहिए, क्योंकि लेजेंडरी बिल्कुल नहीं है। और ऐसे इवेंट के अंदर डायमंड ला के लेना तो भाई बेकूफी है, आप लोग बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि आप लोग मतलब निकालोगे ना फिर घंटा भी बंडल नहीं पहनने वाले हो, ठीक है? तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बाकी आप मेरे को बता देना आप निकालने वाले हो या फिर नहीं।
अब इसके फीमेल बंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे बाहर सर्वे के ऊपर फॉर्चून व्हील नाम के इवेंट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है ये फीमेल का बंडल, और लास्ट टाइम गाइस हमारा रैंपेज वाला फीमेल का बंडल भी फॉर्चून व्हील इवेंट के अंदर आया था। तो इस समय सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही बन रही कि भाई आपको फॉर्चून व्हील इवेंट के अंदर ये वाला फीमेल का बंडल देखने को मिले। इफ गाइस यहाँ पे इवेंट चेंज होगा तो हम आपको बता देंगे, बाकी जल्दी आप लोग को इवेंट देखने को मिल जाएगा क्योंकि मेल का बंडल आ रहा है एंड फीमेल का बंडल भी गाइस हमारे गेम के अंदर आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, उसके लिए रेडी रहना। और बाकी यार ये भी मैं नहीं कहूंगा निकालो, आप भी कहोगे भाई हर चीज को बोलता है मत निकालो, बट बेकार चीजें होती हैं इसी वजह से बोलता हूं मत निकालो, ठीक है। उसके बाद के हिसाब से हमारा मोको इवेंट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, भारत सर्वे के ऊपर पोस्टर वगैरह आ चुका है, इंडोनेशिया सर्वे के ऊपर तो भाई गेम के अंदर ही आ चुका है, ठीक है, मतलब पूरा अपडेट वगैरह आ चुका है गेम के अंदर। तो उनके सर्वे के ऊपर ऐसा सीन चला कि भाई लॉबी वगैरह सब कुछ अपडेट हो चुकी है, और हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर बहुत ही जल्दी होगा, मतलब जैसे गए हमारा फोर्थ एनिवर्सरी इवेंट खत्म होगा उसके बाद हमारे मोको इवेंट स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपको काफी फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले। एंड हाँ गाइस आपको एक और बात बता रहे कि भाई जल्दी हमारे पास फोर्थ एनिवर्सरी की कुछ मर्चेंडाइज आने वाली है, जैसे कि ईयरपॉड्स वगैरह हो गए, और गाइस यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं, जैकेट और यहाँ पे मतलब कैप वगैरह। तो गाइस उसका रिव्यू वाला वीडियो जल्दी ही आप लोग हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो भाई आपने जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको ऑल पे सेट कर लो, और ऑल पे तो सेट कर लो कि वो मेरे को पता है, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना उसके बाद ऑल पे सेट करना, क्योंकि उसके बिना ऑप्शन नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करना जरूर से भाई लोग, इस वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। तो गाइस बात करते हैं हमारे डायमंड और बंडल के बारे में। बेसिकली गाइस हमारे बाहर सर्वे के ऊपर एक डायमंड और अवेलेबल हुआ है जिसके अंदर गाइस आप लोग को ये वाला बंडल देखने को मिल रहा है, और गाइस ये हमारे बाहर सर्वे के ऊपर अवेलेबल ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहा हूं, ठीक है, आ चुका है बाहर सर्वे के ऊपर, सर्वे का नाम याद नहीं वरना आपको बता देता। बाय द वे आप लोग बंडल को देख लो, ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा बंडल है, हां पर डायमंड और लाइक ही लग रहा है भाई, ऐसे बेकार से बंडल, ठीक है। तो यार हम आपको बताना चाहेंगे गाइस यहां पे ये वाला जो बंडल है हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर भी आप लोग को देखने को मिल सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है क्योंकि भाई हमारे सर्वे के ऊपर इसका फीमेल बंडल आने वाला है जो कि हम आपको अभी आगे दिखाएंगे। बट उसके पहले गाइस आपको बताने की जो बंडल मैंने आपको बताया वो हो सकता है गाइस आने वाले टाइम के अंदर इसके बाद के बाद वाले डायमंड के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाए, ये एक एडवांस न्यूज आप लोग समझ सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको जो फीमेल का बंडल दिखा रहे हैं गाइस इसका पूरा 99.9% कन्फर्मेशन है, क्योंकि आप लोग को पता है भाई हमारे गेम के अंदर एक ही एल्गोरिथम काम करता है भाई, एक बार मेल का बंडल उसके बाद फीमेल का बंडल, ठीक है, एक बार फीमेल का बंडल उसके बाद मेल का बंडल। तो उसी तरीके से गाइस हमारे भारत सर्वे के ऊपर पहले से अवेलेबल है, बट हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर जल्दी ही गाइस आप लोग को वाला डायमंड देखने को मिलेगा, हमें पूरी 99.9% कन्फर्मेशन हम आपको दे रहे इस बात की, ठीक है। तो अगर यार कोई चेंज वगैरह आएगा तो हम आपको एक दिन पहले जरूर से इन्फॉर्म कर देंगे, बट आप लोग पूरा रिव्यू ले लो। और यहाँ पे मेरे को पसंद नहीं आया सच बताऊँ भाई, आजकल गेम के अंदर जो भी बंडल्स आ रहे हैं मेरे को ज्यादा खास पसंद नहीं आ रहे, गरेना कुछ अच्छा ज्यादा खास काम नहीं करी बंडल्स के ऊपर, तो भाई इसमें डायमंड वगैरह मत लगाओ गेम के अंदर, जब अच्छे बंडल आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारी चीजें तो बेकार ही लग रही मेरे को सच बताऊँ तो दिल से, ठीक है। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली गाइस आप लोग को यार वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, इससे गाइस आपको गेम के अंदर आने वाले हर एक चीज आपको सबसे पहले पता चलती रहेगी। और गाइस आप लोगों को जैसा कि पता है भाई हम रेडिंग कोड भी सबसे पहले आप लोग को दे देते हैं, और अभी आने वाले टाइम के अंदर गाइस आपको काफी सारे अच्छे कंटेंट देखने को मिलने वाले, जैसे कि अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह हो गया, ठीक है, तो आपको ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। साथ में गाइस यहां पे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करके जाना। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।